हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपनों को आशीर्वाद देते हैं। 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन, तर्पण और दान किए जाते हैं। अब पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिनों तक रहेंगे। पितृपक्ष भद्रपाद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को इसका समापन होता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में दान को विशेष महत्व दिया गया है। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य का काम माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ चीजें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसका दान करना इस पितृपक्ष में बेहद लाभकारी माना गया है। पहले दान की अगर बात की जाए तो मान्यताओं के अनुसार गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। तिल के दान की बात की जाए तो श्राद्ध के हर कर्म में तिल का अलग महत्व है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र यानी कि एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना गया है। अन्य दान में गेहूं चावल का दान करना भी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर इस पितृपक्ष में अगर आप गेहूं चावल या कोई भी दूसरा अनाज दान करते हैं तो आपको सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान भी आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ठेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अब वस्त्रों के दान की बात की जाए तो मान्यताओं के अनुसार इस दान में धोती और दुपट्टा सहित दो वस्त्रों के दान का महत्व है। ये वस्त्र नए और स्वच्छ होने चाहिए। साथ ही सोने का दान भी घर से कलह का नाश करता है। अगर आप सोने का दान करने में असमर्थ हैं तो सोने की बजाय आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। वहीं अब अगर चांदी के दान की बात की जाए तो पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। साथ ही मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में गुड़ का दान भी काफी ज्यादा लाभकारी है। गुड़ का दान पूर्वजों के आशीर्वाद से कला और दरिद्रता का नाश कर धन और सुख देने वाला माना गया है। साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान भी बहुत महत्व रखता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते माय वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।